में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि रोहेलखंड के प्रभारी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामवीर सिंह जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इतना समय निकाला, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, उसमें बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मीटिंग में वो आए। इसके साथ ही साथ जो हमारे ज़िले के सभी पदाधिकारी हैं, हमारे जिला महासचिव एडवोकेट हरप्रीत सिंह जी और हमारे विधानसभा बिलासपुर के अध्यक्ष प्यारा सिंह जी, नगर अध्यक्ष नवाब खां साहब, जिला महासचिव नवाब भाई, जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार गंगवार जी, केंद्रीय के नगर अध्यक्ष मुन्ने भाई, बिलासपुर के नगर अध्यक्ष असलम भाई, हमारी बहनें महिला विंग की साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों का आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय लोकदल एक चौधरी चरण सिंह जी की वो आवाज़ है, एक ऐसी नीति है कि जिसको गांव गांव खेत खलिहान कहा जाता है। चौधरी साहब ने किसानों की बात सब इस देश में किसानों का अगर नेता सबसे बड़ा कोई नेता रहा है तो चौधरी चरण सिंह जी रहे। चौधरी साहब ने किसानों के लिए जो किया वो आप सब लोग जानते हैं, एक पहचान किसानों के लिए दिलवाई, मजदूरों को एक अलग आवाज उनकी बुलंद की। चौधरी साहब प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद अजीत सिंह जी ने इतनी जो क्योंकि हम लोग किसान हैं, गन्ने की खेती करते हैं, पहले चीनी मिल नहीं हुआ करती थी, ये अजीत सिंह जी की देन है जो इतनी चीनी मिल है, जहाँ तक इतना हुआ है ये सब कुछ। कहने का मेरा मतलब यही है कि हम लोग मेहनत पे लगे हैं। अध्यक्ष जी से कहना यह है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं अब चलता है और रुक जाता है, क्योंकि उसको जैसे गाड़ी में तेल होता है, कभी ख़त्म हो गया फिर रुकेगी गाड़ी। तो हम लोग अध्यक्ष जी से ये थोड़ा कहते हैं कि अधिकारियों में कहीं ना कहीं ये मैसेज जाना चाहिए कि हम भी NDA में हैं और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता का भी काम हो तो लोग हमसे और ज़्यादा जुड़ेंगे। मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष साहिद भाई, हमारे हरप्रीत एडवोकेट जी, सरदार प्यारे जी, नगर अध्यक्ष जी, सम्मानित संगठन के सभी बंधुओं, मातृशक्ति, आज अहम बैठक है ये, और जो आप लोगों को बुलाया गया है, मीटिंग रखी गई है संगठन की, राष्ट्रीय लोकदल NDA का हिस्सा है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी केंद्र में मंत्री हैं, फिर देश में भी आपके मंत्री हैं और जिले में भी आपके जिला अध्यक्ष बैठे हैं, भाई जी बैठे हैं, बिट्टू भाई का है और हमारे नगर अध्यक्ष जी हैं सब। आज हमें ज़रूरत है संगठन बढ़ाने की और अपने लोगों का काम कराने की। आप ये ना समझें जिलाध्यक्ष जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आज आपने संडे में मीटिंग नहीं बुलानी थी, लेकिन हमने नहीं कहा आपने किन्हीं वजह से मीटिंग बुलाई। मैंने आपसे ये कहा था कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता, DM SP के यहाँ हमें लेके चलिएगा, हम आपके साथ चलते हैं। और उसके बाद भी आप यहाँ पर हफ्ते में एक दिन आप खुद बैठें कार्यालय पर और किसी को बैठाएं, जिम्मेदारी दें, जिम्मेदार लोगों को बैठाएं, लोग आए, उनकी समस्याएं सुने, समस्या का समाधान आपसे नहीं होता तो हमें बताएं। ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपका पहले देखा ही है, आज हम NDA में साथ हैं, लेकिन हमने अपने समझौता उस चीज से समझौता नहीं करा, मान सम्मान का हमारा कोई समझौता नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल NDA का हिस्सा, NDA के साथ।